इस समय हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए लुधियाना शहर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। अंग्रेजों ने जो रेलवे लाइन थी सारे हिंदुस्तान में बिछाई थी, जगह जगह रेलवे स्टेशन बनाए थे और उनमें से एक रेलवे स्टेशन लुधियाना शहर का भी है। ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, तो यहीं से लाहौर की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं यहीं से होकर जाती थी और दिल्ली की तरफ भी यहीं से ट्रेन होकर जाती थी। तो आज हम आपको जहाँ जो गेट है जहाँ पर, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन बंद है, कोई यात्री नहीं आ जा रहे, लेकिन अब धीरे धीरे जब से किसान आंदोलन ने उसमें ढील दी है कि आप रेलवे चला सकते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग अब यात्रा करने लगे हैं। और देखिए जहाँ पर जो लोग यात्रा करने के लिए आ भी रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, इधर हम आपको तो दिखा देते हैं ये मेन गेट जो इस समय बंद है। और रेलवे भी जो गाड़ियाँ हैं इतनी ज़्यादा नहीं आ जा रही, लेकिन फिर भी टाइम टेबल के हिसाब से जैसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी हिसाब से आप ट्रेन देख कर आप रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। कभी यहाँ पर चहल पहल होती थी, लेकिन आज सुनसान है। कोरोना COVID-19 के बाद जो किसानों का आंदोलन चला है उसके कारण लुधियाना शहर में, पंजाब में रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनें कुछ बंद की गई हैं। और देखिए यहाँ पर यात्री जो आ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं हम आपको जो यात्री आ रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट में जाने वाले हैं, अलग अलग ट्रेन से जो अपने अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, अपने अपने घर पहुंचेंगे। और देखिए ये ट्रेन, क्योंकि शाम को ट्रेनें ज़्यादा चलती हैं, फिर भी लोग आना जाना शुरू हो चुके हैं और रेलवे स्टेशन पर आवागमन शुरू हो चुका है। लोग जहां पर यात्रा करने के लिए पैसेंजर आने शुरू हो चुके हैं। इस समय हम रेलवे स्टेशन लुधियाना शहर में खड़े हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन जहाँ पर गहमा गहमी होती थी, क्राउड होती थी, लेकिन आज यहाँ पर सुनसान पड़ा है। किसान आंदोलन के कारण जो लोग अब ट्रेन यात्रा में जाना चाहते थे, किसानों के द्वारा छूट देने और थोड़ा जो रेलवे का आंदोलन वापस लेने के कारण अब यात्रा में जो लोग फिर ट्रेनों में सफ़र करने के लिए जहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए पुलिस का जहाँ पर पहरा है, ये रेलवे स्टेशन जो लुधियाना शहर के हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पास ही जहाँ पर जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट हैंड पर घंटाघर चौक है, क्लॉक टावर है, और उसके सामने क्लॉक टावर के सामने चौड़ा विहार शुरू हो जाता है। तो यही है लुधियाना का जो हार्ट है, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, जो लुधियाना का दिल है वो है घंटाघर, चौड़ा विहार और रेलवे स्टेशन भी साथ ही पास में ही है, जो लुधियाना का पुराना शहर है। क्योंकि दिल्ली में भी जैसे पुराना रेलवे स्टेशन है, वैसे ही आज ये लुधियाना शहर का जो ओल्ड सिटी में जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, हम उस समय इस समय हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, दूर तो देख रहे हैं आप ये यात्री जो अब आना जाना शुरू हो चुके हैं और ट्रेन जो चलने लगी हैं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पर ही मिल जाती है। अभी हमने आपको लुधियाना शहर का रेलवे स्टेशन दिखाया जहाँ पर यात्रा करने वाले यात्री अब ट्रेन से यात्रा करने के लिए आने शुरू हो चुके हैं। और किसान आंदोलन के कारण कुछ रेलें जो बंद थी, किसान ने यह कहा कि अब हम आंदोलन वापस लेते हैं, जो ट्रेनें हैं अब जहाँ से आ जा सकती हैं। तो इसी कारण जो यात्री हैं जहाँ पर आने जाने शुरू हो चुके हैं और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस का पहरा ज़्यादा है और सुनसान है। COVID-19 के कारण कोरोना भी चल रहा है और उसके बाद किसान आंदोलन है। और ये लुधियाना व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ पर हज़ारों लोग पहले यात्रा करके व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन अब जहाँ पर चंद लोग ही आ रहे हैं। लेकिन अगर किसान आंदोलन ना होता तो जहाँ पर पहले जैसे गहमा गहमी होती। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।